अस्सलामुअलैकुम। कुछ अर्सा पहले मैंने आपके लिए वो वीडियोस बनाई थी जिनमें उन सवालों के जवाब जानने की कोशिश की गई थी कि अगर सारी दुनिया की बर्फ पिघल जाए तो अमेरिका का क्या हाल होगा, अगर दुनिया से सारे इंसान अचानक गायब हो जाएं तो फिर क्या होगा, अगर अचानक किसी दिन सूरज कायनात के नजारों से गायब हो जाए तो फिर सैयारा जमीन का मंजर कैसा होगा। उन वीडियोस को काफी पसंद किया गया था और आज उन्हीं वीडियोस से मिलती जुलती एक वीडियो मैंने आपके लिए बनाई है। यानी आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि अगर जमीन अचानक रुक जाए तो फिर क्या होगा, जमीन पर दिन कितने घंटे का होगा, समंदरों से कैसी तबाही आ सकती है और हवाएं कितनी ताकतवर हो सकती हैं। इस बारे में मजीद जानने से पहले खबर टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी दबा दें। तो चलिए जानते हैं अगर जमीन अचानक रुक जाए तो जमीन पर कैसी खौफनाक तबाही आ सकती है। जमीन पर चलने वाली हवाएं, जमीन अगर अचानक रुक जाए तो हवाएं इतनी ताकतवर हो जाएंगी जैसे किसी एटम बम के धमाके के बाद हो सकती हैं, जिसके बाद जमीन पर तबाही मच जाएगी। दुनिया की मजबूत तरीन और बुलंद तरीन इमारतें भी लम्हों में तबाह हो जाएंगी। समंदर में उठने वाली लहरें, जमीन अगर अचानक रुक जाए तो पुरसकून समंदर खौफनाक तूफान के मनाजिर पेश करने लगेंगे। समंदरों में इतनी बड़ी लहरें उठेंगी जो सिर्फ एक मिनट में 17 मील के रकबे को जेरे आब ले जाएंगी। जमीन पर चीजें उड़ने लगेंगी। सोचें अगर कोई किसी ऐसे घर के बाहर से गुजर रहा है जहां बहुत सारी ईंटें पड़ी हैं और अचानक उसी वक्त जमीन रुक जाए तो वो सारी ईंटें मशरिक की जानिब 1000 मील फी घंटा की रफ्तार से उड़ने लगेंगी और जमीन पर मौजूद हर वो शय जो किसी से मुंसलिक नहीं है वो भी मशरिक की जानिब 1000 मील फी घंटा की रफ्तार से उड़ने लगेगी। यही नहीं, जमीन पर चलने वाले इंसान भी उसी रफ्तार से मशरिक की जानिब उड़ जाएंगे। जमीन पर दिन कितने घंटे का होगा, अगर अचानक जमीन रुक जाए तो जमीन पर 24 घंटे 365 दिनों में गुजरेंगे। यानी जमीन के रुक जाने पर जमीन का एक दिन एक साल जितना लंबा हो जाएगा। उस दौरान जमीन पर आधा दिन 6 महीनों में गुजरेगा और 6 महीनों का वो दिन इंतहाई गर्म होगा, लेकिन 6 महीने गुजर जाने के बाद जब रात होगी तब वो भी 6 महीनों में गुजरेगी और जमीन पर उतरने वाली वो रात इतनी अखबस्ता होगी कि कोई इंसान उस रात की सर्दी का मुकाबला नहीं कर पाएगा। सूरज कहां से निकलेगा, अगर जमीन रुक जाती है तो सूरज मगरिब से निकलेगा और मशरिक में डूबेगा और वो भी साल में सिर्फ एक दफा। इसके अलावा जमीन ऐसी खौफनाक छुआओं की जद में आ जाएगी जहाँ जिंदगी का वजूद ही खत्म हो जाएगा। ये तो हम जानते हैं कि जिस दिन सूरज मगरिब से निकलेगा वो दिन इस कायनात का आखिरी दिन होगा, वो दिन क्यामत का दिन होगा, वो दिन उस दुनिया के खात्मे का दिन होगा, वो दुनिया जहाँ रहने वालों ने ऊंची ऊंची इमारतें ऐसे तामीर कर रखी हैं जैसे वो और उनकी आलीशान इमारतें हमेशा हमेशा मौजूद रहेंगी। ये जानते हुए भी कि ये आरजी दुनिया है और आरजी जिंदगी है, मगर फिर भी इंसान इस दुनिया के रंगों में खो चुका है और ये भूल चुका है कि एक दिन क्यामत भी आनी है और वो क्यामत इस वीडियो में बताई गई बातों से कहीं ज्यादा भयानक होगी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों, खबर टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन को लाजमी दबा दें ताकि आप मेरी आने वाली अगली वीडियो भी देख सकें। अगली वीडियो के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।